हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं टोटल ऐसे 5 बेस्ट टॉप रेटेड बेस्ट सेलिंग डिश वॉशर इन इंडिया, जो कि आप सभी लोग परचेज कर सकते हैं। और ये जो मैंने लिस्ट तैयार करी है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके लिस्ट तैयार की है और मैंने काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखा है कि वो किस तरह से यूज़ करने में कितना आसान होता है, कितने सारे फंक्शन आपको मिलते हैं, उसका प्राइस पॉइंट, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके मैंने आप सभी लोग के लिए ये लिस्ट तैयार की है। और डिश वॉशर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आप अपने बर्तन डायरेक्टली रख सकते हैं, जितने भी बर्तन हैं आप उसको रख सकते हैं और कुछ समय के बाद आपके पूरे के पूरे बर्तन अपने आप धुल जाएंगे, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल शाइन होकर निकलेंगे। और सबसे अच्छी खास बात क्या है कि डिशवॉशर आपका टाइम तो बचाता ही है, साथ साथ इसमें पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को टोटल ही ऐसे बहुत सारे अमेजिंग 5 बेस्ट डिशवॉशर बताने वाला हूं। और आपके जितने भी क्वेश्चन है कि डिशवॉशर को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसमें कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है, इसमें कौन से टाइप के बर्तन अपन धो सकते हैं, इन सारी की जो डिटेल्स है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले आप लोग इन 5 डिशवॉशर के देख लीजिए और जो इनके जो प्रोडक्ट के लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए जितने भी डिशवॉशर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो आप उस लिंक को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस लिंक में आपको इसके और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे और साथ साथ कस्टमर के रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग के लिए आसानी होगा कि कौन सा डिशवॉशर आप सभी के बजट के लिए सबसे बेस्ट है। सो अभी आपको मैं पहले दिखाता हूँ वो है 5 डिशवॉशर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड, जो 5th नंबर का डिशवॉशर मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा वो है BPL का 12 प्लस सेटिंग डिशवॉशर, जिसके अंदर आपको 12 प्लस सेटिंग्स मिलती है और ये परफेक्ट है 6 मेंबर फैमिली के लिए। और 1 प्लस सेटिंग्स में आप सारे के सारे बर्तन रख सकते हैं, प्लेट हो गया, ग्लास हो गया, बाउल यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अंदर आपको 8 प्रीसेट वॉश प्रोग्राम भी आता है, बहुत 8 अलग अलग तरीकों से आप बर्तन को वॉश कर सकते हैं। और इसके अंदर आप स्टील हो गया, ग्लासवेयर हो गया, सिरामिक हो गया, काफ़ी सारे प्रकार के आप बर्तन इसमें वॉश कर सकते हैं। ये इसका जो पावर कंजप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है और सबसे अच्छी फीचर इसमें है हाफ लोड फीचर। अगर आपके बर्तन थोड़े कम हैं तो ये कम पावर इस्तेमाल करेगा और अच्छे तरीके से आपके बर्तन को वॉश कर पाएगा। इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये एक वॉश के में 10 लीटर का पानी इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छी बात है इसमें। और ये इसका जो मटेरियल है वो स्टील से बना है और इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है और मैं इसको 4.3 स्टार की यहाँ पे रेटिंग देता हूँ, जो कि बहुत ही अल्टीमेट ये BPL का डिशवॉशर आपको मिलेगा। जो 4th नंबर का डिशवॉशर मैं आप सभी लोग को रेकमेंड करूँगा वो है वोल्टास बेको का। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, अगर आप देखेंगे इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट साइज़ है और इसके अंदर आपको 8 प्लेस सेटिंग्स मिलता है। ये अगर आपकी फैमिली 2 से 3 लोग 4 लोग तक हैं तो ही आप इसको लीजिएगा, क्योंकि इसमें बर्तन आप थोड़े से कम यहाँ पे वॉश कर पाएंगे। इसके अंदर भी आपको 6 वॉश प्रोग्राम मिलता है और ये इसका एक जो प्रोग्राम सेटिंग है वो 30 मिनट्स के अंदर आपके बर्तन को पूरी तरह से वॉश कर सकता है। और यहाँ पे जो बर्तन वॉश होता है वो गर्म पानी से भी वॉश होता है और यहाँ पे 2 अलग अलग स्प्रे लेवल है और ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू इंस्टॉल है। और इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है और 5 साल का मोटर मिलता है और मैं इसको 4.5 स्टार की रेटिंग देता हूँ। जो 3rd नंबर का डिशवॉशर मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूँगा वो है सीमेंस की तरफ से। ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी है और ये 12 प्लस सेटिंग वाला आता है, मतलब ये 6 मेंबर के लिए परफेक्ट होता है। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जैसे ऑटोमेटिक डिटर्जेंट डिटेक्शन भी होगा और इसके अंदर आपको 6 डिफरेंट टाइप के वॉश प्रोग्राम मिलते हैं, 6 अलग अलग तरीक़ों से आप लोग वॉश कर सकते हैं। और इसके अंदर एक सबसे अच्छा फीचर हाइजीन प्लस, जो कि यहाँ पे बैक्टीरिया और जर्म्स सबको रिमूव कर देता है। इसका कंट्रोल पैनल भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है और इसके अंदर आपको एक्वा सेंसर आता है, लोड सेंसर आता है और इसका जो वाटर कंजप्शन है वो अराउंड 30 लीटर का यहाँ पे वाटर कंजप्शन आपको ये लगेगा। इसके अंदर भी आपको हाफ लोड फीचर मिलेगा और जो उसका रैक्स है वो फोल्डेबल है और चाइल्ड लॉक भी इसमें मिलेगा और इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है और मैं इसको 4.6 स्टार की रेटिंग देता हूं। जो 2nd नंबर में डिशवॉशर आता है वो आता है आपकी IFB नेपच्यून की तरफ से। ये भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है और इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे 12 प्लेस सेटिंग हो गया, इसका स्मार्ट डिज़ाइन है और इसके अंदर स्टीम से ड्राई करता है, ये पानी से नहीं करता, ये स्टीम के थ्रू आपके बर्तन को सुखाता है। और इसका वाटर कंजप्शन देखिए बहुत कम है, 9 लीटर का वाटर कंजप्शन है और ये वन ऑफ द बेस्ट डिशवॉशर है। 35,000 अगर आपका बजट है तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिशवॉशर आपसे हो पाएगा। इसी एनर्जी कंजप्शन भी देखिए 0.9 किलोवाट की है और इसके अंदर भी आपको हाफ लोड फीचर मिलता है और 2 साल की वारंटी मिलती है और मैं इसको 4.8 स्टार की रेटिंग देता हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड डिशवॉशर, अगर आपको परचेस करना है तो ये आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। जो 1st नंबर में आता है, जो ऑलराउंडर है, सबसे फेवरेट, सबसे बेस्ट सेलिंग वो है बॉश कंपनी की तरफ से। ये है बॉश का 12 प्लस डिशवॉशर, जिसके अंदर आपको 12 प्लस सेटिंग्स मिलती है जो कि परफेक्ट है 6 मेंबर के लिए और ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके फीचर्स भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे, जैसे कि आप इसका
सिक्स वॉश प्रोग्राम देखिए, इसमें स्पेशल कढ़ाई वाला भी एक दिया है। अगर अगर आप आपकी कढ़ाई ज़्यादा गंदी है तो आप उस कढ़ाई को भी बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो इंडियन बर्तन होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये आपके इसमें आपको फीचर मिल जाएगा। और इसके अंदर भी आपको हाफ लोड फीचर मिलता है, प्री रिंस मिलता है जिसके अंदर आप टफ स्टेन निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा ड्राई मतलब आपको बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहे हैं, और वेरियो इको है जिसके अंदर वाटर और पावर बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से ये यूटिलाइज करता है। इसके अंदर वाटर कंजप्शन 9 लीटर का है और इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, और इसका एनर्जी कंजप्शन देख सकते हैं 1.45 है, और मैं इसको 4.9 स्टार की रेटिंग देता हूं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड। अभी आप लोगों ने देखा टोटल ऐसे 5 बेस्ट डिशवॉशर इन इंडिया। सो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको इसको खरीदना कैसे है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे मैं अभी आपको आंसर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी डिशवॉशर आते हैं ये 2 टाइप के आते हैं, एक होता है पोर्टेबल डिशवॉशर और एक होता है फिक्स्ड वन। पोर्टेबल मतलब वो थोड़ा स्मॉल साइज का होता है और उसको आप लोग कोई भी एरिया में ले जाके यूज कर सकते हैं, और जो फिक्स्ड वन होता है जो कि हर एक फैमिली में आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं और जो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, उसके लिए मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्पेस देना पड़ेगा कि वो किचन में ही फिक्स रहेगा या कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे आपका इनलेट वाटर और आउटलेट का पूरा आप लोग सिस्टम बना पाए, उसको बेसिकली उस जगह पे फिक्स कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप के हैं, और इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी मिलता है। अगर आपकी स्मॉल फैमिली है तो आप 8 प्लेट्स वाला ले सकते हैं, अगर आपकी बिग फैमिली है मतलब 5 से 6 से ज़्यादा लोग आप अगर आपके फैमिली में है तो आप 12 प्लेट सेटिंग वाला ले सकते हैं। ये 8 और 12 मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ बर्तन आप लोग धो सकते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो आपके दो टाइप के आपको मिलेंगे, एक 8 प्लेट सेटिंग वाला मिलेगा और एक 12 प्लेट सेटिंग वाला आपको मिल जाएगा। सो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप लोग 12 वाले ले सकते हैं, अगर आपकी फैमिली थोड़ी छोटी है तो आप 8 वाले यहाँ पर ले सकते हैं। सो डिशवॉशर का बेसिक फंक्शनलिटी क्या है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, जैसे आप मान लीजिए घर में है, फैमिली में है, दोनों ही वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग, तो आपको समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोग चाहते हैं कि आपका बर्तन ऑटोमेटिकली वॉश हो जाए, तो इसलिए आप सभी लोग को डिशवॉशर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये इसमें बर्तन जो साफ़ होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं, और सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप उसमें बर्तन जो रखते हैं उसको पहले थोड़ा सा आप उसके अंदर जो मान लीजिए मतलब थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, उसके अंदर ज़्यादा मटेरियल नहीं रहना चाहिए, बस ज़्यादा आपको क्लीन नहीं करना, बस उसके अंदर कुछ भी रेसिड्यू अगर कुछ बचा हुआ है या थोड़ी बहुत सब्जी बच गई उसको बस रिमूव करके आप अपने बर्तन को उल्टा डायरेक्शन में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये डिशवॉशर है तो आपको बर्तन उल्टा रखना है, क्योंकि नीचे से उसमें वाटर आता है, ये वाटर के थ्रू ये गर्म पानी के थ्रू आपके जितने भी यूटेंसिल्स है उसको क्लीन करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका कि ये आपके काफ़ी समय बचाता है, काफी टाइम बचाता है, करीब 1 घंटे के अंदर ये लगभग काफ़ी सारे बर्तन को धो के सुखा के आपको देता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और सेकंड सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर पानी की वेस्टेज बहुत कम होता है, मतलब अगर आप रेगुलर वॉश कर रहे हो तो आपका पानी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो डिशवॉशर होता है ये बेसिकली आपका वाटर को रिसाइकिल कर करके आपको बर्तन को साफ़ करता है, तो इसमें आपके पानी भी बहुत ज़्यादा बचता है। और इसके अंदर मतलब अगर पुराने जितने भी बर्तन होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लीन करता है, अगर आप उसके शाइन देखेंगे कितना ज़्यादा से क्लीन करते थे, मतलब आपका बर्तन काफी ज्यादा चमकेंगे, उनकी लाइफ भी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। और अगर मैं बात करूँ इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, सबसे पहला आता है इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शनलिटी होते हैं, इसलिए ये अभी थोड़ा कॉस्टली है, और मार्केट में ज़्यादा ब्रांड्स के अभी भी डिशवॉशर नहीं है, कंपटीशन देखेंगे तो अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है ये, क्योंकि अभी जस्ट एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है इंडिया में और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। सिंपली आपको बर्तन रखना है, बर्तन साफ होगा, आप अपना बर्तन को कैरी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप इस डिशवॉशर में किस तरह के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, मतलब किस तरह के बर्तन यहाँ पर वॉश किया जा सकता है, तो मैं आप सभी को कुछ बर्तन ऐसे बताऊंगा जिसको आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप जो कैसरोल होता है, कैसरोल आप इसमें वॉश नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़े बहुत जो प्लास्टिक होते हैं, जो थोड़े से लूज प्लास्टिक होते हैं, उस तरह के मटेरियल आपको इससे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जैसे पता है कि डिशवॉशर के अंदर गर्म पानी से ये सारे के सारे बर्तन को वॉश करता है, तो अगर आपके प्लास्टिक के कुछ बर्तन होंगे तो वो यहाँ पे खराब हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करना है, लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, कॉपर वाले बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है, और उसके अलावा यहाँ पे जो भी बर्तन आप हैं जैसे प्लेट्स हो गए, थोड़े छोटे कटोरी हो गई,
और ग्लास के मटेरियल हो गए, उस तरह के आप सारे के सारे मटेरियल को बहुत आसानी तरीके से धो सकते हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम वाले जितने भी मटेरियल हैं, लकड़ी वाले हैं, कॉपर वाले हैं, या इस तरह के जो मटेरियल वाले बर्तन हैं, उसको आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये एक आपको बात ध्यान देने वाली है। उसके बाद आता है कि अपन को मतलब इसके अंदर किस तरह से वॉशिंग, अपन कौन सा साबुन डालना है, कौन सा डिटर्जेंट डालना है, इस तरह के भी आपके मन में क्वेश्चन काफ़ी सारे आते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिश वॉशर के लिए पर्टिकुलरली अलग से ही डिटर्जेंट आता है, और इसमें तीन तरह के चीज़ इस्तेमाल होते हैं। एक होता है इसमें डिटर्जेंट होता है, एक होता है इसमें रिंस वाला, और एक और तीसरा होता है सॉल्ट। ये तीनों का मिक्सचर आपको डालना पड़ता है इसके अंदर, और ये तीनों का मिक्सचर के बाद ही ये आपका जो बर्तन वगैरह को साफ करेगा। इसमें फंक्शनलिटी मैं बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट आपको डालना पड़ेगा। सॉल्ट बेसिकली वाटर का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका वाटर ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, सॉफ्ट तो नहीं है, उस बेसिस में ये सॉल्ट का इस्तेमाल करता है। और जो यहाँ पे रिंस वाला लिक्विड है, ये रिंस वाला लिक्विड बेसिकली आपके शाइन मेंटेन करने के लिए डालता है, मतलब आपके बर्तन ताकि काफ़ी ज़्यादा चमके, इसलिए ये रिंस वाला आपको लिक्विड डालना पड़ता है। और जो तीसरा है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बेसिकली ये धोने के काम आता है, और ये बिल्कुल अलग है। अगर मार्केट वाले डिश जो आप क्लीनिंग वाले साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो ये बात का आपको ध्यान यहाँ पे ज़रूर रखना है। अगर आप तीनों को चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एक रेडीमेड एक टैबलेट आता है, जिसको अपन टैबलेट बोलते हैं, डिशवॉशर टैबलेट बोलते हैं, वो सिर्फ एक टैबलेट डालेंगे तो ये सारा का सारा काम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। या तो आप लोग तीनों अलग अलग चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो सिंपली एक टैबलेट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें वॉशिंग करते हैं। और इसके बाद आता है कि किस तरह से इसका यूज करना, मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ तो नहीं है, किस तरह से काम करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ समय आपको लगेगा इसको एडजस्ट करने में, लेकिन यहाँ पे क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। ऐसा नहीं आपको चार पांच बटन दबाना है, कुछ ही बटन दबाएंगे आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। और यदि आप लोग कोई ब्रांडेड डिशवॉशर परचेस करते हैं, तो उनके जो एग्जीक्यूटिव आते हैं, वो भी आपके आगे हेल्प करेंगे, आपको डेमो देंगे किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से आपको बर्तन रखना है, किस तरह से आपको डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना है, और किस तरह से ये बर्तन यहाँ पे वॉश होता है। तो आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वो एग्जीक्यूटिव दे देंगे, अगर जो भी आता है जिस भी ब्रांड का परचेस करते हैं, तो वो एक असिस्टेंस आपको जरूर प्रोवाइड करते हैं, और उनका मैनुअल भी होता है, और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। पर्टिकुलर किसी ब्रांड का डालेंगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। ये आप लोग ये मत सोचिए कि किस तरह से अपन यूज़ करेंगे, कैसे काम करता है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस आपको बर्तन रखना है, तीन चार दो तीन बटन दबाना है, दैट्स इट, आपका बर्तन पूरी तरह साफ होकर निकल जाएगा। तो यूजिबिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा ईजी है। हालांकि इसमें आपको अलग अलग मोड ज़रूर मिल सकते हैं, अगर आपका बर्तन काफ़ी ज़्यादा बर्तन गंदा है, जैसे कढ़ाई वाला फीचर होता है, जैसे आपकी कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गंदी है, तो आप कढ़ाई वाला फीचर अनेबल कर सकते हैं। अगर आपके बर्तन थोड़े कम गंदे हैं या थोड़े कम बर्तन हैं, तो हाफ लोड वाला फीचर आपको अनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से बटन दिए रहते हैं। आप अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप सिंपली ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स लगे हुए हैं डिशवॉशर के अंदर, जो कि ऑटोमेटिकली सेंस करके आपका बर्तन वॉश करके दे देगा। तो ये कुछ बहुत ही मस्त चीज़ें हैं डिशवॉशर के ऊपर। और दोस्तों, और बस यही था आप सभी को बताना। और इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है डिशवॉशर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ और भी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानना है, तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, और वहाँ से भी आप इन सारे डिशवॉशर को परचेस कर सकते हो। और ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे देख रहे हैं ये कोविड का सिचुएशन आया, इस तरह से सबके सब घर में है, और मीड अगर नहीं आती है तो आपको वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वर्कलोड को कम करने के लिए ये बहुत ही अमेजिंग एक अप्लायंसेस है और प्रोडक्ट जो कि आप सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी आपको डाउट है, तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में आप सभी लोग को टॉप 5 बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देता हूं और आपको सजेशन देते रहता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।